Looks like you lost another one. Looks like you lost another one. वैरायटी और बॉल पाइथन्स बिलोंग करते हैं अफ्रीका, जिस जगह पाइथन्स की और एनिमल्स की ज्यादा तादाद में जो एनिमल्स मिलते हैं वो अफ्रीका ही मिलते हैं, तो उधर से रॉयल बॉल पाया जाता है। लेकिन अभी जो मेरे पास सब म्यूटेशंस हैं, ये किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री के बिलोंग नहीं करते, बिकॉज ये म्यूटेशंस है। म्यूटेशंस किधर मिलते नहीं है वाइल्ड में, और ज्यादातर वाइल्ड में किधर मिलते नहीं है। अगर कोई एक दो आ गया तो व्हाइट कलर या फिर येलोइश कलर में कोई एक दो आ जाता है वो उसको डिसीज बोलते हैं। लेकिन जो ब्रीड करा जाता है, जो हाई म्यूटेशन हाइब्रिड करा जाता है, उसको सभी म्यूटेशंस बोलते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं मेरे पास पाइथन्स की वैरायटी है काफी, तो मैं इसमें से एक 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 पाइथन्स का मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि उसका म्यूटेशन क्या है, मार्फ क्या है और मेंटेनेंस कैसा है। तो मैं एक 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 अभी पाइथन्स का आपको शुरू करूंगा। पहले तो शुरू करूंगा मैं सुपर पेस्टल बॉल पाइथन से, और इसको बोलते हैं सुपर पेस्टल बॉल पाइथन। ये कॉमन वैरायटी है, जैसे कि ये हेट वैरायटी नहीं है। पाइथन्स में ज्यादातर हेट वैरायटी आता है, जो वो हेट वैरायटी आने से एक्सपेंसिव हो जाता है। पहले मैं आपको एक हेट वैरायटी का एक्सप्लेनेशन कर दूं। हेट वैरायटी जिसको भी बोला जाता है, जैसे कि आप लूसी स्टिक बॉल पाइथन और पेस्टल बॉल पाइथन को डाल के म्यूटेशन निकालेंगे, कोई अलग म्यूटेशन आएगा। पेस्टल बॉल नहीं निकलेगा, लूसी स्टिक नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ अलग म्यूटेशन निकलेगा, तो इसको हेट वैरायटी बोलते हैं। ये इसके ऊपर से दिखता नहीं है, जैसे ब्लड जींस में आता है, इसके खून में रहता है ऐसा कि ये हेट बन जाता है। तो सुपर पेस्टल भी बहुत अच्छी चीज है। आप इसका डार्कनेस देख सकते हैं, इसका कलर वगैरह देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। और इसका प्राइस मैं कोट कर रहा हूँ 1,50,000 रुपीज सिंगल पीस इसका प्राइस है। और ये फीमेल है, ये 100% फीमेल है। अगर इसको किसी का इसका पेपर भी चाहिए, विद पेपर भी मिल जाएगा, और 100% फीमेल है गाइस। और मैं इसमें एक और मॉर्फ बताता हूँ जो पेस्टल ही है, लेकिन ये सुपर पेस्टल नहीं बोलते, इसको कॉमन पेस्टल बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है और ये भी बहुत कम रेट में है। ये 1,35,000 रुपीस पीस है। और इसका कलर आप देख सकते हैं, सुपर पेस्टल और कॉमन पेस्टल का कलर भी अलग है। इसका और इसका कलर आप देख सकते हैं, अलग ही एकदम डिफरेंट कलर में आता है। और इसकी जो मार्किंग आती है, ये भी डिफरेंट कलर में आता है। आप कभी भी पाइथन जब ले रहे हैं तो मार्किंग को मत जाइए, बिकॉज जितना छोटा रहता है उसकी मार्किंग उतनी ही ब्राइट रहती है, और जैसे जैसे बड़ा होगा ये और खूबसूरत होते जाएंगे, और जैसे जैसे शेडिंग करता जाएगा इसका कलर और डार्क होता जाएगा। तो छोटे अगर आप छोटा पाइथन ले रहे हैं तो प्लीज कभी भी कलर पे मत जाइए, ये आने आने कलर आपको चेंज करता रहेगा और हर टाइम पे आपको एक नया कलर नई शाइन देता रहेगा। तो दोनों पेस्टल का मैंने समझा दिया, एक है सुपर पेस्टल 1,50,000 रुपीज पर पीस, और दूसरा कॉमन पेस्टल है 1,35,000 रुपीज पर पीस। और मैं आपको दूसरा बताऊंगा,
जैसे कि स्पाइडर बॉल बोलते हैं, स्पाइडर बॉल में भी अभी मेरे पास दो म्यूटेशन है, आप इसमें देख सकते हैं, एक डार्क कलर है, एक लाइट कलर है, लेकिन ये दोनों स्पाइडर बॉल है। और स्पाइडर बॉल ज्यादातर अगर आदमी पालना चाहते हैं जो परफेक्ट बॉल पाइथन कभी इससे पहले पाल के हैं या फिर कोई दूसरा, मतलब स्टार्टर के लिए नहीं है, स्पाइडर बॉल पाइथन स्टार्टर कभी भी मत रखिए, बिकॉज स्पाइडर बॉल पाइथन को मेंटेनेंस थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि अगर इसका सब्सक्रिप्ट आप रख रहे हो तो एवरी वीक आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अलग म्यूटेशन रख रहे हो तो उसका महीने में एक बार भी अगर सब्सक्रिप्ट चेंज कर रहे हो चल जाएगा, लेकिन इसको अगर आप न्यूज़पेपर में भी यूज कर रहे हो तो न्यूज़पेपर आपको एवरी डे चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर इसको कोई इन्फेक्शन पकड़ लेगा तो बहुत जल्दी पकड़ेगा गाइस। और स्पाइडर बॉल पाइथन को नेक शेकिंग बहुत गंदा आता है, मैं आपको ये सब बताना नहीं, फिर भी मैं इसका जो भी है वो आपको समझाने के लिए यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, तो आपको ये सब समझाना मेरा हक है। और कल के दिन आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, इस वजह से मैं अभी समझा रहा हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे दो म्यूटेशन है, एक लाइट कलर में है, एक डार्क कलर में है। तो गाइस इसका मैंने ऐसा प्राइस रखा है, बहुत ब्यूटीफुल है, आप अगर डार्क कलर में ले रहे हैं तो 1,50,000 रुपीज है, अगर आप लाइट कलर में ले रहे हैं तो 1,65,000 रुपीज है, बिकॉज ये जो कलर आप देख रहे हैं ये हर स्पाइडर बॉल में नहीं आता, ये कलर एकदम डिफरेंट है, इस वजह से इसका 15,000 रुपीज मैंने ज्यादा प्राइस रखा हुआ है। और आप इसके सर की मार्किंग भी देख सकते हैं, एकदम ब्यूटीफुल आई है, जैसे अल्बाइनो बॉल पाइथन को आती है ऐसे सर की मार्किंग भी बहुत ब्यूटीफुल आके है। और इसका आप अगर कलर कंपेरिजन करेंगे तो गाइस मेरे को तो ये कलर अच्छा है, बिकॉज जब हम नया कलर देखते हैं तो नए कलर पे ही जान लग जाती है, जैसा कोई डार्क कलर देखते हैं उसी पे आंख जाती है, तो ये ऐसा है, क्योंकि ये स्पाइडर बॉल में ये नया कलर है और नया हेड म्यूटेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अभी पहला आया है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि आप जो एनिमल देख रहे हो वो पहला है, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैंने कलर नया देखा हुआ है, अभी पता नहीं किसके पास है भी या नहीं, इसका मैं आपको गारंटी जैसे चैलेंज करके नहीं बता सकता। और जो ये स्पाइडर बॉल है ये भी अलग यूनिकनेस लेके आता है, आप जैसे रॉयल बॉल देख रहे हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पेस्टल बॉल बताया, तो ये भी एक म्यूटेशन है जो हाई म्यूटेशन है, इसको भी आप हाई म्यूटेशन ही बोल सकते हो, बिकॉज अगर आप वाइल्ड में देखेंगे तो सिर्फ रॉयल बॉल के अलावा कोई अदर स्नेक पाइथन नहीं मिलेगा, बॉल पाइथन में रॉयल बॉल के अलावा कोई पाइथन नहीं मिलेगा। अगर आपको पाइथन मिल रहा है तो वो अलग, जैसे रॉक पाइथन हो गया, बर्मीज पाइथन हो गया, रेटिक पाइथन हो गया, तो ये सब आपको वाइल्ड में मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ कॉमन कलर ही मिलेंगे गाइस, उसमें भी आपको अल्बाइनो वेल्बेनो सब वाइल्ड कॉट में नहीं मिलते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जंगल से जाके लेके आते हो क्या, ये पाइथन से वो पाइथन से, तो ये सभी हाई म्यूटेशन हाइब्रिड है। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा एक जो मेरे पास अभी ब्रीडिंग पेयर पड़ा हुआ है, एक पेस्टल बॉल है, कॉमन पेस्टल बॉल है, और दूसरा जो है वो स्पाइडर है, जो जैसे मैं अभी बता रहा था स्पाइडर बॉल, इससे पहले मैं अभी दो जो बच्चे बता रहा था ये हो गए आपके कॉमन स्पाइडर, जो कलर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, आप ये भी देख सकते हैं, ये भी स्पाइडर बॉल है जो अभी बड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट 4.5 फीट का है। तो इसके भी जीन्स में जैसा हेड वैरायटी मैं बता रहा था, ये भी हेड वैरायटी है, आप इसका कलर देख सकते हैं, इधर पे आपको येलो इश दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, और इधर पे ब्लैक मार्क्स हैं, और वही ब्लैक मार्क्स में ब्राउन ब्राउन शेडिंग है, तो इसी को हेड वैरायटी बोला जाता है। और ये जो पाइथन आप देख रहे हैं ये एवरी शेडिंग पे इसका कलर चेंज होता है, आप इधर देख सकते हैं येलो भी दिख रहा है, तो ये अलग ही मार्किंग में आ जाता है गाइस, ये अलग ही मार्किंग अलग ही ब्यूटीफुलनेस में आ जाता है। और इसका आप इधर डॉट देख सकते हैं, एक येलो कलर का डॉट आया हुआ है, और इधर पे एक येलो कलर का डॉट आया हुआ है, तो इसी को बोलते हैं हेड वैरायटी, ताकि इसमें अगर हम नया मेल डालेंगे, ये एक्चुअली फीमेल है, इसमें अगर हम कुछ अलग मेल डालेंगे तो इसमें हमें कभी ब्लू आई लूसिस्टिक, जैसे बेल ब्लू आई लूसिस्टिक बेल इसी में से निकलता है, इसी का जीन्स है वो, तो ऐसे ही हम लोग ब्रीड करते रहेंगे तो इसमें नए नए म्यूटेशंस आते रहेंगे। और जो आप पाइथन्स मेरे हाथ में अभी देख रहे हो ये पूरे लीगल पाइथन है, कोई इंडिया में बैंड विंड कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग बेकार के अफवाह फैलाते हैं कि भैया ये इलीगल है, ये लीगल है, लीगल इलीगल के चक्कर में मत पड़ो। अगर किसी के पास आपको कोई भी एनिमल मिल रहा हो विथ डॉक्यूमेंट,
जैसे गवर्नमेंट का सिंबल रहना चाहिए विद डॉक्यूमेंट, कोई भी एनिमल मिल रहा हो तो आप आंग बंद करके ले सकते हैं, बिकॉज अभी ये सभी इंडिया में लीगल हो चुका है, इसके बारे में कुछ हमारे को ज्यादा सोचने का नहीं है, तो आप आराम से ले सकते हैं। अगर मेरे पास भी कोई बॉल पाइथन खरीदने के लिए आ रहा है तो उनको मैं विद पेपर का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो विद पेपर भी हमारे साथ खरीद सकते हैं। और जो आप ये मेल देख रहे हो तो ये मेल है, ये कॉमन पेस्टल का मेल है, अडल्ट है मेल, तो इसको मैंने कोट किया है 2,00,000 रुपए पर पीस का। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, ये भी अराउंड 3.5 फीट का मेल है, और ज्यादातर मेल क्या होता है 3.5 फीट में 4 फीट के ऊपर ही है, आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट मेरे हाथ का मेजरमेंट ले रहा है और इससे भी बड़ा है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा साइज है इसका, और इसका फैटनेस भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा साइज है। एक्चुअली हमारे इंडिया में बहुत कम ऐसे साइज होते हैं गाइस, बिकॉज बहुत लोग इनको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पाल के अगर किसी को डर हो रहा है तो बेच देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं। तो अभी मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर किसी को पेट पालने को नहीं हो रहा है तो कर्नाटका एक्वेरियम पे लेके आइए, उसका जो भी अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। अगर कोई जैसे एग्जॉटिक एनिमल भी सेल करना चाह रहे हो, आपके पास जा नहीं रहा है, तो प्लीज कर्नाटका एक्वेरियम पे आके उसको दे दीजिए, उसका जो भी अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। वाइल्ड वगैरह में मत छोड़िए, बिकॉज थोड़े दिन के बाद वो क्या होगा, इधर के नेटिव एनिमल्स को खत्म कर देगा, तो वो फिर आपको यही देखने को मिलेगा, फिर से ये भी बैन कर देंगे। इस वजह से बोल रहा हूँ वाइल्ड में इनको मत छोड़िए, और ये वाइल्ड में 99.7% इसकी गारंटी नहीं है, तो इसको प्लीज मत छोड़िए, बाहर मत छोड़िए। और मैं इसका अगला म्यूटेशन बताना चाहूंगा, आप पाइड बॉल देख सकते हैं, ये पाइड बॉल है, पाइड बॉल पाइथन है, जैसे आप इधर कलर देखिए लूसी स्टिक का है, और इसको जो पैचेस है इस वजह से इसको पाइड बॉल बोला जाता है, ये पाइड बॉल है, बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। क्योंकि पाइड बॉल में एक जमाना मेरा ऐसा था कि मैंने पाइड बॉल को देखने के लिए बहुत तरस जाता था, बिकॉज पाइड बॉल की म्यूटेशन सिर्फ यूएस ही यूएस में थी, इंडिया में कभी आ ही नहीं थी। तो अभी मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत रेयर है, कॉमन है, एकदम कॉमन है। जैसे आप बैंकॉक देख सकते हो, मलेशिया देख सकते हो, यूएस वगैरह के वीडियोस देख सकते हो, तो उधर के लोग के लिए तो कॉमन है, लेकिन हमारे इंडिया के लिए बहुत रेयर है, और आज भी बहुत सारे लोगों के पास है। आई थिंक जैसे आप कंपेयर कर ले, बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत रेयर भी ऐसे ही है, पाइड बॉल बहुत रेयर है। और मैं इसको एक टाइम पे हाथ में लेने के लिए भी बहुत सोचता था, जैसे कि अभी आप लोग सोच रहे हो कि अगर मेरे पास होता तो मैं इसको पालता, ऐसे ही मैं भी देख के सोचता था गाइस। किसी भी चीज में हार नहीं माननी चाहिए, बस आगे देखता रहना चाहिए कि हमारे पास भी ये चीज होना है तो होना है। तो आज जब आप देख सकते हैं कि मेरे पास आज पाइड बॉल भी है और अल्बाइनो पाइड बॉल भी है, तो मेरे पास अभी बहुत सारे पाइड बॉल आए हुए हैं, मैं एक एक एक्सप्लेनेशन करता रहूंगा। तो इसका मैं आपको प्राइस बता देता हूं, ये 2,25,000 रुपीज पाइड बॉल है, 2,25,000 रुपीज का पाइड बॉल है। और मैं इसमें एल्बाइनो का बता दूंगा, एल्बाइनो पाइड प्लस ब्लैक डॉट है इसमें, इसको कुछ नया म्यूटेशन बोला जाता है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। आप ये ब्लैक डॉट देख सकते हैं, ये पाइड एल्बाइनो पाइड है, आप इधर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपका लूसिस्टिक कलर हो गया और ये येलो कलर में आ गया, तो इसको एल्बाइनो पाइड बोला जाता है। इसका कोई कुछ नया नाम है, तो आई थिंक ये स्पेक्टिकल बॉल पाइथन है, इसका कंफर्म मुझे नाम नहीं पता है, इस वजह से मैं बोलना नहीं चाहूंगा। और ये मेल है, ये मेल है, अगर इसको कुछ अच्छी फीमेल डालेंगे म्यूटेशन के लिए तो इसमें भी बहुत प्यारे बच्चे निकल सकते हैं, बिकॉज ये खुद पाइड है और उस पे से ब्लैक डॉट्स है, तो आप खुद सोच के देखिए कितना, अगर निकलेगा भी बच्चा तो कितना यूनिक बच्चा निकल सकता है और कितना रेयर बच्चा निकल सकता है। तो गाइस मैं अभी यही बोलना चाहूंगा, अगर कोई इंडिया में ये स्टार्ट कर रहा है हॉबी, तो प्लीज इनको ब्रीड करने का भी देखिए, बिकॉज इन फ्यूचर हम लोग इनको बाहर से नहीं लेके आ सकते, सिर्फ बाहर से लेके आने का प्लान ही मत करिए, सिर्फ इंडिया में ही ब्रीड करके इंडिया में ही पालने का सोचिए। इसी वजह से मैं सब लोगों को बोलता हूँ ब्रीड करिए, अगर आप 100 एनिमल पाल रहे हैं तो 100 एनिमल मत पालिए, सिर्फ 1 एनिमल पालिए और इसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बिकॉज
100 एनिमल के जगह एक अगर आप पालेंगे तो बहुत अच्छे से पाल पाएंगे, उनके खाने से लेके पानी से लेके उनके सब चीज के लिए। और पहली तो बात एनिमल्स का मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप रख रहे हो घर पे तो बहुत ध्यान से रखिए, वरना प्लीज मत ही रखिए। अगर इनको कुछ भी कम सरस होगा गाइस तो बहुत पूछिश है इनके बारे में। जानवर जब आप घर पे रख रहे हो तो कुछ भी हो गया तो उसके बारे में ऊपर वाला बहुत आपको खींचेगा, तो इस वजह से मैं ये बोलना चाहता हूँ आप देख दिखा के रखिए। अगर आप कंफर्टेबल हो रखने वाले तो सिर्फ कंफर्टेबल में ही रखिए। तो अभी मैं दूसरा ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारा पूरा वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिल सके। और बेल को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, एवरी एनिमल्स के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, और इनके नए म्यूटेशंस या फिर हाइब्रिड में क्या है तो ये सब आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को इसी वजह से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके बेल बटन दबा दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।